सकें, आपका हिस्सा जो बनता था वो था 1.5 करोड़ रुपए, उसमें से 60 लाख आपकी शादी पे खर्च हुआ और उसके अलावा जो भी अखराजात थे उसकी तफ्तीश में मौजूद थे। आप देख लें, पढ़ लें। उठाओ अपना ये कीमती हीरा और निकलो मेरे घर से बाहर। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। और रही बात कारोबार की, तो कारोबार में से सिर्फ तुम्हें वही हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। चले, इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले। एक खरा सिक्का भी डाल दिया कि लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। हमें इस घर में जितने दुख मिल चुके हैं, इसके अलावा तो हम कुछ और ले भी नहीं सकते भाभी। चलो फिर। फिक्र ना करो, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन मुझे बता दे, मुझे फिक्र होगी। तुम इंतजार करो, आकर बता दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, मैं फलक बात कर रही हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल तो की। मैंने तैमूर को इतनी कॉल्स की लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा था, या शायद वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करना चाह रहा था। खैर तुम लोग ये बताओ, तुम लोग कहाँ पर हो? सब ठीक तो है ना? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुछ ठीक कैसे हो सकता है? हाँ जानती हूँ मैं, ये मुसीबत तो तैमूर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी होगी। ये सब कुछ उसके लिए गैर मतवक का था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किंजा भाभी अंदर से ऐसी होंगी। खैर ये बताओ, किसी से कांटेक्ट हुआ, सुहेल भाई या फिर किंजा भाभी से? नहीं, कोई बात नहीं हुई। और तैमूर तो बहुत ज्यादा अपसेट है, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। कहते हैं जितना याद करता हूँ उतनी तकलीफ बढ़ती है। हाँ ठीक कह रहा है वो, ये हादसा कोई छोटा नहीं था। भूलने वाली बात थोड़ी है,
और जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अच्छा तैमूर कहाँ है? पता नहीं, बता के नहीं गए, कहते हैं बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। तैमूर बहुत परेशान है जारा, उनसे कोई भी बात करूं गुमसुम रहते हैं, सवाल का जवाब भी नहीं देते, बात करते करते भूल जाते हैं। और वैसे भी घर से निकल के हमारे हालात बहुत बुरे थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं बताऊंगी बाद में, बस तुम मेरे साथ रास्ते में रहना, ठीक है? डोंट वरी।